हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। मेरे चैनल के आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम। हेलो हेलो। कि तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ और एक फाउंडेशन के बारे में जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, यू नो, सबके पास एक एक करके है। तो मैंने भी एक खरीदा अपने लिए, काफ़ी अच्छा है। तो आज मैं दिखाऊंगी कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है और इसका सब कुछ डिटेल इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर जस्ट अभी आपने मेरे चैनल को ओपन किया है और ये वीडियो देख रहे हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और इसके साथ साथ देखो, यहाँ पे जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दो, जो एकदम फ्री है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि क्या है आज का वीडियो और किस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको बताऊँगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, जो मैंने रिसेंट खरीदा है। इसको मैंने ऑनलाइन लिया है और इसका प्राइस मुझे पड़ा 430 रुपये का था ये। ओके, और इसके बहुत सारे शेड्स है। तो अगर आपका स्किन टोन जो है वो मेरी तरह है, लाइक मीडियम विटिश कम्प्लेक्शन है अगर आपका, तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा सन बेज। और इसका जो नंबर है वो है 310। ये वाला जो है ये मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। और इसका जो कवरेज है ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है। फुल कवरेज आपको इससे नहीं मिलेगा, बट दिस वन इज़ मैट। अगर आपको मैट लुक चाहिए देन दिस इज़ परफेक्ट। दिन के टाइम के लिए तो ये एकदम ऑसम है, ऑफिस के लिए भी ये परफेक्ट है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत टाइम तक स्टिक रहता है अपने चेहरे पे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका स्किन ड्राई है देन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है। इसका टेंडेंसी जो है इस लगाने के बाद स्किन थोड़ा ड्राई कर देता है। इनकेस यू हैव ड्राई स्किन देन आप शायद इसको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद लगाओगे तो सही रहेगा। मेरा जो स्किन टोन है वो सेंसिटिव है, तो मैंने जब लगाया था छोटे छोटे 2-4 रैशेज मेरे स्किन पे आए थे, शायद आपके स्किन पे ना भी आए। तो आप अगर इसको लगाने का मन बना ही रहे हो देन एक खरीद के आप देख सकते हो। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, स्वेट प्रूफ है और एकदम मैट लुक देता है एंड दिन के टाइम के लिए परफेक्ट है। बहुत आई थिंक 12 इसके टोन अभी मार्केट में आए हैं। और मीडियम स्किन टोन के लिए सन बेज और थोड़ा सा फेयर मीडियम टू फेयर जिनके कम्प्लेक्शन है उनके लिए हनी बेज इज़ द परफेक्ट वन। तो एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लगाना हो गया है तो मैं अभी आपको कवरेज दिखा देती हूँ कैसा इसका कवरेज है। यू कैन सी यहाँ पे मेरे 1, 2, 3 स्पॉट है। यहाँ पे एक स्पॉट है और मैंने कोई कंसीलर नहीं यूज़ किया है। बिना कंसीलर यूज़ किए भी इतना अच्छा कवरेज दे रहा है। यहाँ पे हल्का सा एक डार्क सर्कल है मेरे आइज़ के नीचे, तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है, हल्का सा दिख रहा है। तो इसके अगर आप कंसीलर लगा के इसको लगाओगे तो आपके चेहरे पे जो दाग है वो एकदम नहीं दिखेंगे। दैट्स वाई दिस इज़ ऑसम। एक प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। मतलब आप चेहरे पे लगाओगे तो हार्डली 2 या 3 सेकेंड और उसके संग संग ही ये चेहरे पे एकदम सूख के बैठ जाता है। तो लगाने के साथ साथ ही आपको इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे आप लगा रहे हो सबसे पहले वहाँ पे ब्लेंड करो, फिर दूसरे गाल पे, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको लगाना है। मतलब एक स्टेप कंप्लीट करके फिर दूसरे स्टेप पे जाओ। ऐसा नहीं कि पूरे चेहरे पे आपने लगा लिया और उसके बाद धीरे 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 आप इसको ब्लेंड कर रहे हो, तो देखोगे इस गाल पे ब्लेंड करने के बाद जब आप इस गाल पे पहुंचोगे तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो ऐसा ना करें, थोड़े थोड़े पोर्शन पे लेके लगाएं और इसके बाद इसको ब्लेंड करें। एंड आई होप दिस इज़ अ बजट फाउंडेशन। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, स्वेट प्रूफ है और बहुत टाइम तक स्किन पे टिका रहता है। और कवरेज तो यू कैन सी हियर, बहुत अच्छा कवरेज है इसका। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। पसंद आए तो गिव मी अ थम्स अप और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करो और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, जो एकदम फ्री है। और कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो अगर आपको देखना है किसी टॉपिक के ऊपर, दिन आप उसको भी बता सकते हो मुझे। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के सामने हाजिर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय।